भारत माता की, भारत माता की। मौग सनक मीट, पान मखानक, ये पावन मिथिला भूमि के नमन करे छी। मिथिला की धरती कविराज विद्यापति सनक विद्वानक भूमि आज। यहाँ के मिथिला पेंटिंग विश्वभर में ख्याति प्राप्त केलक। अहां सबके अपार स्नेह देख मन भाव विभोर भाग गेल। अहां सबके हृदय से अभिनंदन करे छी, स्वागत करे छी। मंच पर विराजमान एनडीए के सभी वरिष्ठ नेतागण, मैं सबके नाम नहीं बोल रहा हूं क्योंकि कोई नाम छूट जाएगा और इतने बड़े बड़े नेता है, क्रम में मेरी कोई गलती हो जाए तो अच्छा नहीं होगा, और इसलिए सभी मेरे वरिष्ठ साथी, सभी यहाँ के एनडीए के हमारे नेतागण, और इस चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार जिनके नेतृत्व में आपके आशीर्वाद से बिहार में नई सरकार बनने वाली है, ऐसे बेनीपट्टी से भाजपा के उम्मीदवार श्री विनोद नारायण झा, खजौली से उम्मीदवार भाजपा के अरुण शंकर प्रसाद, मधुबनी से भाजपा के उम्मीदवार रामदेव महतो, राजनगर से भाजपा के उम्मीदवार रामप्रीत पासवान, झंझारपुर से भाजपा के उम्मीदवार श्री नीतीश मिश्र, फुलपरास से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान राम सुंदर यादव जी, लोकहा से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान प्रमोद कुमार प्रियदर्शी, बाबू बरहई से लोजपा के उम्मीदवार श्री विनोद कुमार सिंह, बिस्फी से रालोसपा के उम्मीदवार मनोज कुमार यादव, हरलाखी से रालोसपा के उम्मीदवार बसंत कुमार, ये हैं जो बिहार का भाग्य बदलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने वाले हैं। दोनों हाथ ऊपर करके उनको आशीर्वाद दीजिए, भरपूर आशीर्वाद दीजिए। एक साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। इस सभा में यहां से कर्पूरी गांव की कुछ बहनों ने मुझे मेमोरेंडम भेजा है, आप ही का है ना। अब देखिए बिहार का हाल, ये गांव के गरीब लोगों को बिहार सरकार में कोई सुनने को तैयार नहीं है, उनको प्रधानमंत्री के पास पहुंचना पड़ा, इससे बड़ा दुर्दैव क्या हो सकता है। उनकी शिकायत है कि सरकार
उनको उनकी जमीन से हटाने पर तुली हुई है। कोई हमें रहने के लिए जगह दे, बचाइए बचाइए ये कहने के लिए यहां तक आए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 8 तारीख को भाजपा एनडीए की सरकार बनेगी, यहां के मुलाजिम खुद आके आपकी शिकायत सुनेंगे और आपकी समस्या का समाधान खोजेंगे। लेकिन मुझे दुख इस और बात का हुआ, इस मेमोरेंडम में जिन लोगों ने नीचे अपनी वेदना प्रकट की है, ये 21वीं सदी का हिंदुस्तान, ये 21वीं सदी का मेरा बिहार, जिसमें 25 साल 30 साल 35 साल की उम्र की माताएं बहनें बैठी है, लेकिन एक को भी हस्ताक्षर करने का किसी ने नहीं सिखाया, उनको अंगूठा करना पड़ा है, अंगूठा। श्रीमान लालू जी, नीतीश बाबू, ये चिट्ठा आपके कुकर्मों का सबूत है, कुकर्मों का सबूत। मुझे खुशी होती कि गरीब से गरीब मेरी ये माताएं बहनें ने अपने हाथ से अपना नाम लिख करके मुझे चिट्ठी दे सकते, लेकिन अंगूठा का निशान करके उनको अपनी वेदना प्रकट करनी पड़ रही है। इससे बुरा कोई हाल नहीं हो सकता भाइयों बहनों। जिस धरती से नालंदा की गूंज उठी थी, जिस धरती से दुनिया के लोग पढ़ाई के लिए आते थे, उस धरती पे 25, 30, 35 साल की मेरी माताएं बहनें, आजाद हिंदुस्तान में जन्मी हुई मारी माताएं बहनें अपनी वेदना प्रकट करने के लिए अंगूठा का निशान लगाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और मैडम सोनिया जी, आपने 35 साल तक सरकार चलाई और बिहार को ये दिया है, आपने ये दिया है। लालू जी, नीतीश बाबू, आपने 25 साल सरकार चलाई, ये बिहार की माताओं बहनों को आपने ये दिया है। ये दस्तावेज है आपकी विफलता का, आपके सरकार की समाज के प्रति, गरीब के प्रति क्रिमिनल निग्लिजेंस का यह सबूत है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम इस चुनाव में एक ही बात लेकर के आए हैं, विकास, विकास का मुद्दा लेकर के आए हैं। मैं हैरान हूं भाइयों, जो मीलों दूर मैं लोगों को देख रहा हूं, मीलों दूर वो मुझे वहां से देख नहीं पाते होंगे, शायद माइक भी वहां पहुंच पाता होगा कि मैं नहीं जानता हूं। उसके बावजूद भी ऐसी धूप में लाखों लाखों लोग आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। भाइयों बहनों, इससे बड़ा नसीब क्या हो सकता है। मैं आपको नमन करता हूं, मिथिला की धरती के मेरे भाइयों बहनों, मैं नमन करता हूं। ये प्यार मैं कभी भूल नहीं सकता हूं भाइयों, ये प्यार कभी मैं भूल नहीं सकता। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जो इस ताप में तपस्या कर रहे हैं, मैं आपकी तपस्या बेकार नहीं जाने दूंगा। आपके जो हाल करके रखे गए हैं,
बिहार को जो बेहाल करके रखा गया है, उसमें बदलाव लाए बिना आप लोगों का भाग्य नहीं बदल सकता। मेरे भाइयों बहनों, मैं लोकसभा के चुनाव में भी आया था और लोकसभा के समय भी यहीं पर मेरी सभा हुई थी, लेकिन इतनी भीड़ नहीं आई थी। आज 1.5 साल के बाद फिर आया, लेकिन आपका प्यार बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। और मेरी एक और भी बात है, मैंने पिछले लोकसभा के चुनाव में भी बिहार में रैलियां की थी, जनसभाएं की थी, लेकिन 550 महिलाओं से ज्यादा कोई महिलाएं आती नहीं थी। इस बार मैं बिहार की सभी रैलियों में हजारों की तादाद में माताओं बहनों को देखता हूं, मुझे हवा का रुख पता चल जाता है। सभी रैलियों में इतनी बड़ी मात्रा में बिहार की माताओं बहनों की भागीदारी, विकास की उनकी जो भूख है, इसका ये सबूत है। मेरे भाइयों बहनों, आज बिहार में चौथे चरण का मतदान चल रहा है। आपको मालूम है ना कि बिहार में जो लोग पराजय से कांप रहे हैं, दो दो इंजन की जरूरत पड़ेगी, दो दो इंजन की, दो इंजन लगेंगे तब ये बिहार गड्ढे में से बाहर आएगा। एक इंजन पटना में एनडीए की सरकार और दूसरा इंजन दिल्ली में मेरी सरकार का, एक दिल्ली का और एक पटना का, दो दो इंजन लगाने पड़ेंगे। और इसलिए मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूं कि दिल्ली में तो आपने इंजन बिठा दिया है, यहां एक ऐसा मजबूत इंजन बिठा दीजिए ताकि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बने जो बिहार को इस गड्ढे से बाहर निकाल दे। भाइयों, भाइयों बहनों, मैं बड़े हृदय से बिहार का आदर करता हूं, बिहार का गौरव करता हूं, क्योंकि मुझे जब गुजरात में था तब भी और हिंदुस्तान के और भूभागों में मेरी पार्टी का काम करता था तब भी, जहां जहां बिहार के लोग पहुंचे हैं, उन्होंने उस धरती को नंदन वन बना दिया, नंदन वन बना दिया। आप मॉरिशियस में जाइए, मॉरिशियस में, मॉरिशियस कहां से कहां पहुंच गया है, इसको किसने पहुंचाया? यही तो 150 साल पहले मेरे बिहार से लोग गए, मजदूर के नाते गए थे, लेकिन आज पूरे मॉरिशियस को आन बान शान देने का काम ये मेरे बिहार के लोग कर पाए हैं। ये ताकत मेरे बिहार में। अरे बगल में झारखंड देखो, झारखंड, ये झारखंड भी तो पुराना बिहार है, झारखंड भी तो पुरानी बिहारियों की पहचान है, लेकिन जैसा ही झारखंड अलग हो गया, भाजपा की सरकार बन गई, आज झारखंड हिंदुस्तान के पहले 10 राज्यों में आकर के बैठ गया है और बिहार वहीं का वहीं रह गया है, क्योंकि यहां नेता ऐसे बैठे हैं, ऐसी कुंडली मार करके बैठे हैं कि बिहार को उठने ही नहीं देते। ये नेता ही बिहार पर बोझ बन गए हैं, 25 साल की सरकार बिहार पर बोझ गनी है और इसने बिहार को तबाह कर दिया है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मेरा भरोसा बिहार के नौजवानों पर है, मेरा भरोसा बिहार की माताओं पर है, मेरा भरोसा
बिहार के किसानों पर है, मेरा भरोसा बिहार के गरीबों पर है, मेरा भरोसा बिहार के मजदूरों पर है, मेरा भरोसा बिहार के विकास के लिए मेहनत करने वाले, पसीना बहाने वाले मेरे सभी भाइयों बहनों पर है कि उनकी बदौलत बिहार आके बढ़ने रहने वाला है, बिहार ऊंचाइयों को पा करके रहने वाला है। भाइयों बहनों, मेरे लिए बिहार का मतलब है, बिहार याने अंग्रेजी में अगर बिहार का स्पेलिंग करें, बी याने ब्रिलियंट, बिहार का बी याने ब्रिलियंट, बिहार का आई मतलब इनोवेटिव, बिहार का बी का आई मतलब इनोवेटिव, बिहार का एच, एच मतलब हार्ड वर्किंग, बिहार का आर, आर का मतलब है, बिहार का ए, ए का मतलब है एक्शन ओरिएंटेड, बिहार के ए का मतलब है एक्शन ओरिएंटेड, और बिहार का आर का मतलब है रिसोर्सफुल, बिहार का मतलब है ब्रिलियंट, इनोवेटिव, हार्ड वर्किंग, एक्शन ओरिएंटेड, रिसोर्सफुल, बी आई एच ए आर, ये ताकत है बिहार की। और भाइयों बहनों, यही ताकत के भरोसे मैं बिहार को हिंदुस्तान में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का सपना देखता हूं, और उन सपनों को पूरा करने के लिए विकास का मंत्र लेकर के आया। एक बार मुझे, जब मैं प्रधानमंत्री नहीं था, तो एक हवाई जहाज में सफर करता, मेरे बगल में एक सज्जन बैठे थे, वो मेरी तरफ देख रहे थे, फिर मुझे पूछने लगे कि आप कोई अंगूठी बंगूठी कुछ पहनते नहीं हो क्या, कोई ताबीज बाबीज नहीं पहनते हो क्या? मैंने कहा क्यों भाई? नहीं, बोले सारे नेता लोग ऐसा सब कुछ न कुछ पहनते रहते हैं, आप नहीं पहनते? मैंने कहा देखो भाई, मैं जंतर मंतर में भरोसा नहीं करता, मैं तो लोकतंत्र पर भरोसा करता हूं, यही मेरा जंतर है, यही मेरा मंत्र है, यही मेरी जड़ी बूटी है, यही मेरा ताबीज है, ये 125 करोड़ देशवासी, यही सब कुछ मेरे लिए है, मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनके पास ये नहीं है वो बेचारे कहां जाएंगे? जिनके पास लोकतंत्र में श्रद्धा न हो, जिनके पास जनता जनार्दन का आशीर्वाद न हो, उनके लिए जंतर मंतर के सिवाय कोई चारा नहीं होता है। और इसलिए आपके परिवार में भी कभी कोई बीमार हो जाए, आप हर प्रकार की दवाई करवा लें, बैद्यनाथ से दवाई कराएं, डॉक्टर से दवाई कराएं, दिल्ली के अच्छे से अच्छे अस्पताल में जाकर के दवाई कराएं, बड़े से बड़े डॉक्टर से ऑपरेशन करवा लें, लेकिन बीमारी जब ठीक न हो तो परिवार वाले कितने ही पढ़े लिखे क्यों न हो, बढ़िया से बढ़िया अंग्रेजी क्यों न बोलते हो, लेकिन वो भी थक करके हार करके किसी जंतर मंतर वाले के पास चले जाते हैं कि भाई हमारा ये बेटा तो बीमार है, ठीक नहीं होता, कुछ आप धागा बागा लगा दीजिए। ये करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? ये नीतीश बाबू भी ऐसे थक गए हैं, ऐसे थक गए, मन से ऐसे हार गए हैं, अब बचना मुश्किल है, तो बाबा के पास चले जाते हैं, कुछ कहो बाबा। क्या लोकतंत्र का मजाक बना दिया इन लोगों ने, क्या लोकतंत्र का मजाक बना दिया है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये लोकतंत्र वाली देश की जो ताकत है, उस ताकत के भरोसे देश को आगे बढ़ाना है। मंत्र तंत्र के 18वीं शताब्दी के ये जादू टोना से देश आगे नहीं बढ़ता है। आप मुझे बताइए,
आपके घर में बिजली नहीं है तो कोई जंतर मंतर वाला आएगा तो बिजली आ जाएगी क्या? जरा बताइए ना, बिजली आएगी क्या? अगर पानी नहीं है तो जंतर मंतर से पानी आएगा क्या? रोजगार नहीं है तो जंतर मंतर से रोजगार आएगा क्या? स्कूल में मास्टर जी नहीं है तो जंतर मंतर से मास्टर जी आ जाएंगे क्या? बच्चे को पढ़ाना है तो क्या जंतर मंतर से पढ़ लेगा क्या? आपको जंतर मंतर चाहिए कि विकास चाहिए? जंतर मंतर चाहिए कि विकास चाहिए? जंतर मंतर चाहिए कि विकास चाहिए? भाइयों बहनों, पहले तो बिहार ने जंगल राज को झेला, जंगल राज को झेला, और जंगल राज में क्या क्या झेला आपको भली भांति पता है मेरे भाइयों बहनों। त्योहार के दिन गहने पहन करके माताएं बहनें बाहर नहीं जा सकती थी, लूट लिया जाता था कि नहीं लिया जाता था। अरे गाड़ी नहीं आई हो तो भी बाहर निकालने से डर लगता था, कहीं ये जंगल राज वाले देख लेंगे तो गाड़ी ही उठा ले जाएंगे, और जब तक 25-50 हजार रुपया नहीं देते गाड़ी वापस नहीं आएगी। ये दिन थे कि नहीं थे भाइयों? सरेआम अपहरण होता था कि नहीं होता था? लूट चलती थी कि नहीं चलती थी? अब पहले जंगल राज था, अब तो उनको एक नया जुड़वा भाई मिल गया। जंगल राज को एक नया जुड़वा भाई मिल गया। जंगल राज और जंतर मंतर का राज, ये दोनों जुड़वा भाई इकट्ठे हो गए, अब तो कुछ बच सकता है क्या? इसलिए ये जंगल राज और जंतर मंतर का, ये दोनों राज को इकट्ठा मत होने दो, वरना तबाही के सिवा आपके नसीब कुछ नहीं आने वाला है। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, एक बात साफ है, ये मधुबनी जिला हमारे अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे प्रिय जिला था। वाजपेयी जी का इस धरती पर इतना प्यार था जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। वो स्वयं भी एक कविराज रहे हैं। यहां पर जो चतुष्क रोड बनाने वाला निर्णय वो अटल जी का ही तो था, जो अभी पूरा करना बाकी है वो हम पूरा करके रहने वाले हैं भाई। ये मंडन मिश्र की धरती है, मंडन मिश्र की धरती है जहां शंकराचार्य जी के साथ संवाद हुआ, और लोकतंत्र में संवाद की क्या ताकत होती है ये मंडन मिश्र और शंकराचार्य ने दिखा दिया। इसी धरती ने तो ये दुनिया को दिया है, ये धरती को नमन करने का मन होता है भाई। भाइयों बहनों, हमें तो हमारे इस पूरे इलाके का विकास करना है। मैं जरा एक हिसाब देना चाहता हूं। अभी मैं बता रहा था इन बहनों के अंगूठे को निशान दिखाए मैंने आपको, आज बिहार का हाल क्या है। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से बिहार हिंदुस्तान में 29वें नंबर पे पड़ा है। शिक्षा की दृष्टि से बिहार देश में 29वें नंबर पे है। प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत बिहार देश में 29वें नंबर पे खड़ा है। शुद्ध पीने का पानी मुहैया कराने की दृष्टि से बिहार हिंदुस्तान में 26वें नंबर पे खड़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में टेली डेंसिटी की दृष्टि से बिहार 28वें नंबर पे खड़ा है। रोजगारी निर्माण की दृष्टि में बिहार हिंदुस्तान में 20वें नंबर पर खड़ा है। भाइयों बहनों, मैं क्या क्या गिनाऊं, बगल में झारखंड आप ही का हिस्सा था, अलग हुआ, आज सारे नंबर पार करके आगे निकल गया और झारखंड नई ताकत बना करके खड़ा हो गया। अभी वर्ल्ड बैंक ने पूंजी निवेश लोग कौन करना चाहेंगे, कहां करना जाएंगे, उद्योग धंधे कहां लगाना चाहेंगे, उसके लिए एक सर्वे किया हिंदुस्तान में। उस सर्वे में भी
बिहार का नंबर शायद 20वां या 22वां आया है और झारखंड का नंबर चौथा आ गया, चौथा नंबर आ गया। ये बर्बादी का कारण ये सरकार है, बर्बादी का कारण ये मुखिया लोग है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं विकास की बात करता हूं क्योंकि मुझे बिहार के जीवन को बदलना है। और जीवन को बदलना है भाइयों, आप बिहार में देखिए, गंगा घाट का विकास, कोसी की बात मैं करने वाला हूं क्योंकि कोसी मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। जब मैं कोसी पीड़ा में था, यहां का इलाका, मैं उनकी सेवा करना चाहता था, इनके अहंकार ने मुझे रोक दिया था भाइयों, रोक दिया था। भाइयों बहनों, बिहार में गंगा रिवर फ्रंट, हमने 20 घाटों के विकास के प्रोजेक्ट को काम आरंभ कर दिया। 16 घाट, उनके कार्य बहुत तेज गति से प्रगति में है और उसमें से 4 घाट जब छठ पूजा करने जाएंगे तो उनका काम पूरा कर दिया जाएगा। और इसके लिए 262 करोड़ रुपया, ये छोटी रकम नहीं है भाइयों, करीब करीब 325 करोड़ रुपया ये गंगा के घाटों के पुनर्निर्माण के लिए हम लगा चुके हैं। भाइयों, काम तेजी से चल रहा है, ये विकास का मॉडल होता है। बिहार में मेरा विश्वास है कि बिहार का पानी और बिहार की जवानी, ये बिहार का जीत, ये बिहार का भाग्य बदल सकते हैं। बिहार का पानी और बिहार की जवानी, ये कोसी का पानी आता है तबाही करके चला जाता है, बिहार के किसान के काम नहीं आता, बिहार के काम नहीं आता है। और दूसरी तरफ सूखा होता है, इसी इलाके में दूसरी तरफ सूखा होता है। भाइयों बहनों, ये पानी का सही इस्तेमाल हुआ होता, अरे नरेगा जैसी योजना 100% पैसा भारत सरकार देती है, अगर आपने नाल नलियां ठीक कर ली होती, नाले ठीक कर दिए होते और पानी को खेतों तक पहुंचा दिया होता, तो मेरा किसान मिट्टी में से सोना पैदा कर देता कि नहीं कर देता। हिंदुस्तान का 80% मखाना यहां पैदा होता है। भाइयों, इस देश में व्रत और उपवास करने वालों का व्रत तब तक पूरा नहीं होता जब तक मखना खाने का उसको सौभाग्य न मिले, ये काम ये धरती करती है। लेकिन भाइयों बहनों, इनको विकास से कोई लेना देना नहीं है, उनको विकास की चिंता नहीं करनी है। भाइयों बहनों, बिहार में टूरिज्म के लिए इतनी ताकत है, हम टूरिज्म को इतना बढ़ावा देना चाहते हैं ताकि गरीब से गरीब को रोजगार मिले। भाइयों बहनों, टूरिज्म में इतनी ताकत होती है, गरीब से गरीब व्यक्ति कमाता है, रिक्शा वाला कमाएगा, बिस्किट बेचने वाला कमाएगा, फल बेचने वाला कमाएगा, फूल बेचने वाला कमाएगा, खिलौने बेचने वाला कमाएगा, चाय बेचने वाला कमाएगा, हर कोई कमाता है और ज्यादा पूंजी नहीं लगती है। हमने बिहार में आप देखिए कितनी संभावनाएं, पटना साहब, सारे विश्व का सिख समुदाय यहां यात्रा करने के लिए आना चाहता है। महात्मा गांधी सर्किट चंपारण लेकर से क्या क्या नहीं है महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ, रामायण सर्किट सीतामढ़ी जहां पर हो वो रामायण के लिए राम के प्रति श्रद्धा रखने वाले कितने यात्री यहां आ सकते हैं, बुद्ध के लिए कितने लोग आ सकते हैं, जैनियों के लिए पावापुरी हो चंपापुरी हो कितने लोग आ सकते हैं। भाइयों बहनों, यहां पर टूरिज्म की इतनी संभावनाएं हैं जो गरीब से गरीब को रोजगार दे सकते हैं। और इसलिए टूरिज्म सेक्टर के विकास लिए हमने 600 करोड़ रुपया देने का फैसला किया है ताकि यहां के गरीबों को रोजगारी मिले। भाइयों बहनों, हमने 1,25,000 करोड़ रुपया का पैकेज दिया
और 40,000 करोड़ पुराने कागज पे लिख करके पड़े थे, दिए नहीं थे, वो भी देने का हमने निर्णय किया। 1,65,000 करोड़ का पैकेज, 1,65,000 करोड़ रुपया, ये छोटा नहीं होता है। 1,65,000 करोड़ रुपया आता है, बिहार का भाग्य बदलना शुरू हो जाता है भाइयों। और ये काम मैं आपके लिए करना चाहता हूं, ये काम मैं आपके लिए करना चाहता हूं। इन 1,65,000 करोड़, नेशनल हाईवे 104, शिवहर, सीतामढ़ी, जयनगर, नरैया सेक्शन के 180 किलोमीटर अपग्रेडेशन के लिए 700 करोड़ रुपया, नेशनल हाईवे 106 वीरपुर बिहपुर सेक्शन का अपग्रेडेशन होने मधुबनी जिले के लोगों को सुविधा मिलेगी, 105 किलोमीटर के लिए 625 करोड़ रुपया, गंगा नदी पर मौजूदा सेतु को डबल लाइन करने के लिए, फोर लेन करने के लिए 5,000 करोड़ रुपया। भाइयों बहनों, मैं अनगिनत चीजें मेरे पास लिख करके लिया है, लेकिन मेरा मकसद है, तीन सूत्री कार्यक्रम है बिहार के परिवारों का भाग्य बदलने के लिए। एक है परिवारों का भाग्य बदलने के लिए पढ़ाई, दूसरा है कमाई, और तीसरा है दवाई। अगर बिहार के नौजवानों को अच्छे से अच्छी और सस्ते से सस्ती दवाई मिल, पढ़ाई मिल जाए, अच्छे से अच्छी और सस्ते से सस्ती पढ़ाई मिल जाए, तो बिहार का नौजवान कभी उसको रोजगार के लिए भटकना पड़ेगा क्या, पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ेगा क्या, माँ बाप को जमीन गिरवे रखनी पड़ेगी क्या? और इसलिए मेरा पहला संकल्प है बिहार के नौजवानों के लिए पढ़ाई, दूसरा है कमाई। ये पलायन रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? बिहार के नौजवान को बिहार में रहने का सौभाग्य मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिहार में काम करने का अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? ये कमाई, ये मेरा दूसरा कार्यक्रम है। और तीसरा कार्यक्रम है दवाई, बुजुर्गों को दवाई मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, डॉक्टर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, दवाखाना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और इसलिए परिवार के लिए पढ़ाई, कमाई और दवाई, और बिहार के राज्य के लिए, राज्य के विकास के लिए बिजली, पानी और सड़क। एक बार इन छह चीजों को मैंने कर लिया, आप देखिए कभी बिहार के नौजवान का पलायन नहीं होगा, बिहार हिंदुस्तान नंबर एक पर पहुंचने में बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा। और इसके लिए मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं। मैं जब यहां आया, मुझे पता चला पहले चरण का मतदान, उससे आगे निकला दूसरा चरण, दूसरे चरण से आगे निकला तीसरा चरण, और आज मैं खबर आ रही है कि चौथे चरण का मतदान तो सारा रिकॉर्ड ब्रेक चल रहा है, रिकॉर्ड ब्रेक चल रहा है, कतारों की कतारें लगी हैं, सुबह सुबह का परसेंटेज भी बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, ये आंधी है आंधी, दो तिहाई बहुमत से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी, ये मैं आपके आशीर्वाद में देख रहा हूं ताकत। और इसलिए मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।